अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इससे जो है ना मैं बर्जीस का केच कैसा बनाना है इंशाल्लाह बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको आसानी से ये बनाना आ जाए। तो दोस्तों इसमें जो है ना आप बर्जीस भी रख सकते हैं चाहे तो, और जो है ना अफ्रीकन लॉबर्ड्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसा बनाना है टोटल प्रोसेस बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जो है ना थोड़ा भी उधर इधर ना हो जाए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा वीडियो डिटेल्ड में समझ में आ जाए कि मैं कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है ना दो पार्ट्स में अपने को तोड़ने के लिए जो है ना यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा, तो आप इसको स्क्रू को खोल लीजिए। मेरे पास में स्क्रू है, आपके पास में कहाँ पर यह चीज़ अटैच है देख लीजिए, उसके बाद में इसको जो है ना खोल लीजिए। तो चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये खोल दिया, ये खोलते ही जो है ना यहाँ पर देखिए ये आराम से कुछ इस तरीके से जो है ना निकल गया। अब यहाँ पे जो है ना इसका जो गड्ढा फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्क्रूज यहाँ पे है आपको टोटली निकाल लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसके स्क्रूज कहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं टोटल बताने की वजह से जो है ना वीडियो लंबी हो सकती, तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा जो है ना इसको खोल लेता हूँ, पूरे पार्ट्स अलग करके इसको निकाल लेता हूँ। आप भी जो है ना फैन के जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी लगे हुआ करे हुआ है उसको निकाल लीजिए। मैं पहले तो ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। हाँ कुछ इस तरीके से लगे हुआ था, तो इसको जो है ना मैं निकाल दिया। निकाले बाद में यहाँ पे देखिए कुछ थ्रेड सिस्टम यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, तो ये थ्रेड सिस्टम को जो है ना आपको ओपन कर लेना है। आपके पास में कुछ दूसरा तरीका हो सकता है, आप देखिए थोड़ा यहाँ पे देख समझ के थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद में जो है ना इसको पूरा डिसेंबल कर लीजिए। मैं कुछ बता रहा हूँ डिफरेंट, आपके पास में कुछ डिफरेंट होंगे, मतलब ये जो है ना फैंस वगैरह अपडेट तो होते रहते, कंपनीज भी डिफरेंट रहते रहते, तो बेसिक नॉर्मल तो इसी तरीके के रहते, अगर नहीं भी रहा तो थोड़ा बहुत आप जो है ना दिमाग लगा के इसको हटा दीजिए। चलिए मेरे पास में यहाँ पे टोटली हट गया। आप मेरे को ये भी नहीं होना है, सिर्फ अपने को दो ये होने वाला है, ये दो अपने को बस है ये। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको जो है ना आपको बताता हूँ कैसा फिट करना है। ये जो जाली है आपको ऐसे में लंबे में लेना है, चाहे आप देखिए लेंथ कितना भी ले सकते हैं आप, बस आपने हिसाब से लीजिए लेंथ। मैं थोड़ा जो है ना मेरे पास में इतनी जाली है तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रख लीजिए। बस मैं आपको जो पॉइंट्स है वो बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये जो है ना जाली आपको कुछ इस तरीके से कट करना है पूरी जाली। ये जो है ना ऐसे यहाँ पे अपने को पट्टियाँ आना है, ये वाली, ये मतलब ये बारीक जो जिगरे हैं ना ये आपको निकल के आना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैठेगा, ये देखिए इस तरीके से बैठ के जो है ना यहाँ से ये फोल्डिंग होंगी पूरी, यहाँ पे पूरा फोल्डिंग अपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसकी पूरी फोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बातें जो है ना माइंड में रखिए आप खास तौर पे, कि ये जो है ना आपको अंदर फोल्ड करना है। देखिए ये अंदर फोल्ड करना है, ये जो जाली है ना आप देख रहे होंगे, अगर इधर फोल्ड करेंगे ना तो इससे जो है ना ये जॉइंट छूट जाता, इसलिए जो है ना आप ये बाहर से रखिए। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है अंदरों नहीं, अब अंदर साइड में फोल्ड करना है तो आपको जो है ना यहाँ से जॉइंट नहीं छूटता। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा फोल्ड करता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो है ना यहाँ पे टोटली कुछ इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके बना लेंगे ना केज, तो इस तरीके का बनता है। यहाँ पे ये इधर फैन का जो है ना ये हिस्सा एक ही तरह का और एक यहाँ पे ये होगा कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जाली कट करके मूझ दे रहा है भाई, इसको मूछना बोले तो अंदर से हाथ जाना, अंदर से हाथ जाना बोले तो डोर बनाना पहले। तो चलो पहले डोर बना दे के बता दे तू मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डोर के लिए काट लेना है अपने को। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कटिंग हो गई, मैं भूल गया था, तो आपको जो है ना कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पर ये जो है ना कोंचा रखते हुए काटना है, ये वाले, तो इसलिए ये रखना है ताकि ये जो है ना अंदर फोल्ड कर दे, फोल्ड करे तो जो है ना अपने को अंदर हाथ डाले वक्त में चुभता करता नहीं, तो इसलिए इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए। अगर आपको आउटडोर को मजबूती और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे ऐसा बेंडिंग वायर मिलता है यहाँ पे मोटे वाला, तो वो आपके पास में मौजूद हो तो उसको आप यहाँ पर लगा दे सकते। तो खैर दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसको अंदर फोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फोल्ड कर दिया। अरे दोस्तों बस इस तरीके से यहाँ पे हो गया,
तो यहाँ पे आप फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में जो जाली बची हुई है ना, ये वाली मेरे को जाली जो डोर कट करने में निकली, उसको जो है ना मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ये कट कर दूंगा मैं, और यह जो जाली है ना इसमें बेंडिंग वायर से मैं बन दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फिक्स होगा एंड टोटली फिक्स, ज़बरदस्त फिक्स होगा यहाँ पे ये। उसके बाद में बस आपको देखिए यहाँ पे ये डोर लगा देना है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे अपना काम कंप्लीट होगा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे इसका कलर नहीं मारे, बोल रहे होंगे क्या करूँ मेरे पैसे नहीं है जब, मैं इसलिए नहीं मारा। खैर आप लोगों के पास में बजट है तो उसको गोल्डन कलर मार लीजिए, लेकिन मेरे पास तो प्रेजेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। खैर यहाँ पे देखिए ये कुंडी लगा दिया मैंने, डोर भी लगा दिया माशाल्लाह से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाया, इस तरीके से यहाँ कुंडी जाएंगी, इस तरीके से यहाँ पे लटकेंगा ये, और क्या है इसमें तोता चले जाएगा। फिर डाले बाद में बता दूँ। चलिए मैं इसको पहले अपने पैरट को लेके आएंगे, चुटकी बजाओ आ जाओ। दोस्तों यहाँ पे तोता आ गया, देखो यहाँ पे फाइनल लुक अपना। यहाँ पे एक ये लगा दिए जो इसको झूलने को करने को, झूला लकड़ी लगा दिए, यहाँ पे दाने पानी का रख दिया मैं। आप यहाँ पे देखो और एक चीज़ लगाना है, यहाँ पे काड़ी लगा दिए तो लकड़ी उस पर बैठ के दाना वगैरह खाता करता, ज़बरदस्त करता। तो कुछ इस तरीके का बना मेरा केज। अगर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना भाई, ज़बरदस्त बोल के। नहीं पसंद आया तो भी बोलो भाई कैसा बनो क्या बनो, काई को सता रहे यारो। तो खैर दोस्तों यहाँ पे बस इसी के साथ में चलता हूँ। अगर आपको पसंद है ये, अगर आपको कलर होना तो वगैरह मार ले सकते हैं, और भी ज़बरदस्त बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।